हरियाणा से स्वागत है आपका। हेलो रामलाल जी सर, आपका नाम क्या है? जी, आपका सवाल? शिवालिया जी, मैं अपनी वाइफ के लिए ड्रेसिंग मशीन का मंगवाया था 2 घंटे की ड्रेसिंग का सिरका मंगवाया था जी मैंने। तो ठीक है। जी सिरका तो काम कर लग रहा है जी, लेकिन पैरों में दर्द है जी, समझ पाते जी। जैतून का सिरका सिरका मंगाया मंगाया। था इन्होंने किडनी के लिए, लेकिन अच्छा पैरों में दर्द है। अच्छा ये सिरका काम कर रहा है तो बहुत अच्छा। और पैरों के दर्द के लिए आपने कोई दवा नहीं ली है? तो दवा मैं अभी बता रहा था, गौंद स्याह, काला गौंद असली लें, आधा आधा ग्राम खाएं। और ये जैसे ये सिरका आपको फ़ायदा कर रहा है, ऐसी गौंद स्याह भी धीरे धीरे आपको फ़ायदा करेगा। वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें और असली गौंद स्याह लें, ज़्यादा मेहनत ना करें तो इस रोग में भी फायदा होना मुमकिन है। जी, कोटा राजस्थान से हैं जहूर मोहम्मद जी, स्वागत है आपका। हकीम साहब सलाम वालेकुम। आदाब, जय हिंद, स्वागत, वाले सलाम। हकीम साहब, मैं यूँ कह रहा था, जैसे अपन जो गोंद किया लेते हैं तो उसमें मतलब वेस्टर्न टॉयलेट मतलब उसका इस्तेमाल करना पड़ता है, तो उसमें क्या है, बेचारे बहुत से गरीब रहते हैं या किराए से रहते हैं, मतलब क्या है, ऐसी ऐसी जगह रहते हैं जो मतलब टॉयलेट ये वेस्टर्न टॉयलेट नहीं आ सकते हैं, तो मतलब वो बेचारे उनका इलाज कैसे होगा। दूसरी बात ये, जो अपने जैतून का नमक आता है ये हाड़ में भी काम करता है क्या सर? हम एहतियातन ऐसे लोगों को वेस्टर्न टॉयलेट बताते हैं, क्योंकि अगर कमर या घुटनों के दर्द का मरीज़ है तो उकड़ू बैठने में, जो पंजों के बल बैठा जाता है, उससे उसको राहत नहीं होती बल्कि और तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो इसके लिए देखिए, बहुत जैसे जिसके हालात हैं वैसे वो इंतज़ाम कर लेता है। और कुछ लोग तो कुर्सी को बीच में से काट के वो वेस्टर्न टॉयलेट बना लेते हैं। हमने भी किया है ऐसा ज़रूरत के तहत। तो जैसे हालात होते हैं, भगवान उन्हीं हालात में जीना सिखा देता है। एक तो ये आपकी बात का जवाब, तो जल्दी फ़ायदा हो जाए तो फिर बहुत अच्छा है। और ये जो जैतून का नमक है, हार्ट के लिए अगर लेना हो आपको, तो एक चुटकी जैतून का नमक और एक चुटकी खाने का सोडा, 2 गिलास पानी मिला के एक बार या 2 बार ले सकते हैं। खाने से पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं। तो ये फिर हार्ट को बहुत फ़ायदा करता है। जी, हरियाणा से हैं सुधा जी, स्वागत है आपका। हाँ सर जय बिटिया, ढेर सारा प्यार और सलाम मेरे मसीहा, आपको भी 1001 टाइम सलाम। जय हिंद, स्वागत स्वागत सुधा जी का। मेरे आपकी शायरी सुनी, बिल्कुल छू गई। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, फलदार वृक्ष हमेशा जुटा रहता है, वो फल भी देता है और आराम करने के लिए जगह भी। थोड़ा सा पैसा आते ही वहां करके चलने लगते हैं, उसे पता नहीं हमारा क्या हल होगा। क्या खूबी से आपने इस किस्से को बयान किया, तारीफ के काबिल है। जैसा आपने कहा ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ किस्सा होगा। वो मिशन में कहती थी बाहर निकलो, अंदर क्यों पड़े रहते हो आप। नाराज हो जाती थी फिर थोड़ी देर बाद मुझे गुस्सा आ जाता था, मैं उससे नाराज होती पड़ती थी, फिर महसूस होता था मैंने उसे क्यों डांटा, मेरी भलाई के लिए जो कह रही थी उसे गले लगा कर खूब प्यार करती। वो भी रो पड़ती, मैं कहती होता सॉरी, कहती नहीं मम्मी सॉरी की जरूरत नहीं, हमें आपकी जरूरत है, बाहर निकलो आप। जब से आपसे जुड़ी हूँ मैंने जीना सीख लिया, आज मेरी बहू सबसे ज्यादा खुश है कि मम्मी ऐसे हंसते अच्छे लगते हो, ऐसी रहा करो, जो कुछ हूँ आज आपकी बदौलत हूँ। मैं कैसे परिचय दूँ, इनका नाम शोहरत अपने आप में एक परिचय है, जो काम आपने पूरी दुनिया के लिए किया आज तक कोई नहीं कर पाया। आपकी भावुकता आपकी शायरी में झलकती है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, सभी लोगों के मन की बात को महसूस करते हैं और उनका मर्म अपनी गजलों में कह देते हैं, इसलिए आपकी शायरी दुआ बन जाती है। बहुत दिल करता शुक्रिया। है सारी दुनिया की कायनात आपके कदमों में लाकर बिछा दो, शायद वो भी कम होगी
न जाने कब आप मेरे मसीहा बन गए। मैं आपको फिर से एक बार सलाम करती हूँ। कोई सवाल है चाल चल? जी हाँ, एक सवाल है, पहले शेर आपके लिए। वो चाल चल की उम्र कटे खुशी से तेरी, वो काम कर जो तुझे याद किया करे सब। अपने लिए तो सब जीते हैं, आप हमारे लिए जीते हैं। आप हमेशा सेहतमंद रहें, खुश रहें, ये दुआ है मेरी। एक तो पहले आप ये बताइए कि आपके सबक भी प्रकट हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। ये तो मेरा टेलीविजन खुला रहता है, आधा घंटे पहले ही खोल देती हूँ तो पता लग गया आप लाइन पर है। नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता। मैं तो 12:30 बजे खोलती, फिर भी 7:30 बजे खोल देती हूँ कि मेरा जो है ना कलाम मिस ना हो जाए। ये क्या, आप प्लीज हमें बताइए तो सही, आप किस वक्त अवेलेबल होते हैं? अपना टाइम ही चेंज करते रहते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि आप किस वक्त आ रहे हैं? जी जी, बहुत शुक्रिया सिद्धा जी, आपने सुबह का प्रोग्राम देख लिया मेरा। और देखिए, मैं जो भी बातें करता हूँ वो मेरे तजर्बे से गुजरी हुई होती हैं, और जो जिसका मुझे अच्छा नतीजा मिलता है, चाहे वो दवा हो, चाहे वो बात हो, चाहे वो कलाम हो, चाहे वो गज़ल हो, मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। हालांकि इसमें कई बातें अपने घर की आप तक पहुँच जाती है, लेकिन मुझे परवाह नहीं इसकी। मुझे ये परवाह है कि आपका परिवार में शांति रहे। आपने महसूस की मेरी बात को, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और प्रोग्राम का दरअसल हम लोगों का इख्तियार नहीं है, प्रोग्राम पर इख्तियार है ये चैनल वाले, जो हमें हुक्म देते हैं हम उसको बजा लाते हैं, और सबके इत्तफाक राय से ये प्रोग्राम होते हैं। और शायरी की तारीफ़ के लिए शुक्रिया। शायरी की तो तारीफ़ का भूखा होता है शायर, और किसी शायर को समझना हो तो उसकी शायरी समझी जाए, तब आप उसे पहचान सकते हो वो क्या है। और आप तो एक कवित्री का दर्जा रखने लगी हैं आप, और हमसे आपकी मोहब्बत वाकई हमारे लिए बहुत बड़ा मर्तबा है। हमारे साथ जुड़े रहें ज़रूर, और हमारे लिए दुआ भी करें। और एक शेर सुनाकर आपकी अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि गम तो खुशी का लफ्ज़ भी कैसे हो इस कहानी में। खुशी का लफ्ज़ कहते हैं शब्द को, खुशी का लफ्ज़ भी कैसे हो इस कहानी में, कि गम ही गम तो उठाए हैं जिंदगानी में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत खूब हकीम साहब, और यकीनन दर्शक भी आपके साथ जुड़ के अब शायर बन गए हैं, क्योंकि अब उनकी शुरुआत भी पहले शायरी से होती है, उसके बाद वो अपना सेहत से जुड़ा सवाल करते हैं। इसी के साथ अगले कॉलर हैं बिहार से, मधु झा, स्वागत है आपका। जी नमस्ते मैडम जी। जी नमस्कार मैम, हम बिहार से बोल रहे हैं, बात करना है। जी बात हो रही है, मैं आपका स्वागत करता हूँ मधु जी। जी सर, मुझे एक और भी कॉल किए थे, मुझे सोराइसिस की प्रॉब्लम है करीब 10 साल से, और बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ, और मेरा बच्चा सब जो है ना सबको जो है तो मतलब 1 महीना से ना पूरे बदन खुजली होता है। और ठीक है जी, नमस्ते सर। जी जी, आपकी बात हम तक पहुँच गई, आपका स्वागत, जय हिंद। और कुछ कहना है? सोराइसिस के लिए मैं कहीं से उनको आराम नहीं मिलता सर, हम बहुत मतलब गरीब परिवार से भी हैं, उतना मेरा ये इनकम भी नहीं है कि जो इतना हम करें सर, मेरा कुछ आप कीजिए। और बच्चे सबको भी बहुत खुजली होता है, खुजली होने के बाद जी ठीक है, एक नुस्खा बता रहा हूँ, आप समझ लें पहले, और वो आपके बच्चे के लिए भी है और आपके लिए भी है। आपके बच्चे को थोड़ा सा तरीका अलग है और आपका इस्तेमाल करने का अलग है। अलसी आप जानते हैं, अलसी लें 300-400 ग्राम, उसको हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें, ठीक है। अब ये अलसी जो है आधा चम्मच इस पाउडर को आपको खाना है और आधा चम्मच आपके बच्चे को खाना है, आधा चम्मच छोटा चाय का चम्मच आपके बेटे को खाना है सोडे के साथ, खाने का सोडा जो किचन में मीठा सोडा होता है, एक चुटकी 2 गिलास पानी मिलाएं
ये अलसी खा के ये पानी पी ले 2 गिलास। और आपको खाना है नमक जैतून के साथ। एक आता है नमक जैतून, जो देखने में नमक ही जैसा होता है लेकिन खाने में स्वाद में वो नमकीन नहीं होता। ये असली ले, ये काफ़ी महंगा आता है। एक चुटकी आप भी 2 गिलास में डालें पानी में, और इस पानी से आप अलसी खा लें, आधा चम्मच या 1 चम्मच अलसी और 1 चुटकी नमक जैतून। अगर आप समझ गए ये नुस्खा तो इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है, आपके बच्चे को भी फ़ायदा मुमकिन है। जी एक बार फिर से हमारे साथ हरियाणा से राम निवास जी जुड़ गए हैं। जी स्वागत है सर आपका, कोई सवाल रह गया है? अजी अजी मैंने अपनी पत्नी के लिए प्रशिक्षण मंगवाया जी 2 बोतल। जी जैतून का प्रशिक्षण मंगवाया जी मैंने। ठीक है, हेलो जी, जी हम सुन रहे हैं, आप आगे बोलिए। काम करने लग रहा जी, लेकिन पैरों में दर्द ऐसा चल रहा जी। जी 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 जी, आपने जैतून का सिरका किस लिए मंगाया था? सर आप जवाब दीजिए, हकीम साहब पूछ रहे हैं आपने जो जैतून का सिरका मंगवाया किस लिए? अच्छा, उनको तो फायदा है, और ये जो दर्द है किसको है? आपको है, उनको, पत्नी को है आपकी, तो इसके लिए अलग से दवा लेनी पड़ेगी। ये आपके पैरों की तकलीफ के लिए नहीं होता, ये तो आपके लीवर के लिए, किडनी के लिए, एसिडिटी के लिए, कब्ज के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, डायबिटीज़ के लिए, बहुत सारे रोगों में ये काम आता है। मैंने आपको जवाब दे चुका हूँ, अभी आपने फ़ोन किया था, कि आप गोंद सिया लें, असली काला गोंद, और आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद लें, चाहे तो मलाई मिलाकर इसका पाउडर बना लें, चाहे तो देसी घी में मिलाकर, चाहे तो शहद में मिलाकर, आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद और आधा ग्राम शाम को खाने के बाद लें। आप अगर लगातार लेंगे तो इस रोग में भी फायदा होना मुमकिन है। जी काशीराम जी हैं उज्जैन से, स्वागत है आपका। मेरी कमर है ना डिप्स से नीचे, ये दोनों पैर काम नहीं कर रहे हैं, और घोड़े से नीचे है ना पतले हो गए। ठीक है, हम समझ गए। उंगली चल नहीं रही है, अंगूठे चल रहे हैं। देखिए मैं एक ही प्रोग्राम में एक से ज्यादा बार जिस चीज का जिक्र करता हूँ वो है गोंद सिया। गोंद सिया, गोंद तो सब जानते हैं, लेकिन ये सिया है, ये काले रंग का है, ब्राउनिश कलर का, कुछ स्याही माइल। ये आपको असली लेना है, बेहिसाब नकली मिल रहा है, दुकान दुकान पे नकली देने लगे थोड़े से फ़ायदे के लिए, वो हमारा और आपका नुकसान करते हैं। गोंद सिया है, जिसे काला गोंद भी कहते हैं, असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। और ये आधा ग्राम नाश्ते के बाद लेना है आपको, असली लेना, नकली बहुत मिलता है। इसका पाउडर बना लें और घी में मिला के जल्दी से खा के पानी या कम चर्बी का दूध पी लें, या मलाई में मिला के जल्दी से खा लें, कड़वा बहुत होता है। लेकिन असली लेना बहुत टेढ़ी खीर है, आप असली लें और 2 बार नाश्ते के बाद और रात के खाने के बाद लें। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपका घर में वेस्टर्न टॉयलेट होना, ऐसा टॉयलेट होना कुर्सी वाला, और वज़न वगैरह ना उठाएं। 3-4 महीने लगातार इलाज करें, भगवान से मदद मांगें, तब आप अच्छे हो सकते हैं। जी